हम्पी के मंदिरों पर आक्रमण का इतिहास। हम्पी मध्यकालीन हिंदू राज विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था। भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित ये नगर यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल है। यहाँ दुनिया की सबसे बेहतरीन और विशालकाय मंदिर बने थे, इसलिए इसे मंदिरों का शहर भी कहा जाता है, जो अब खंडहर में बदल चुके हैं। कृष्णदेव राय ने 1509 से 1529 के बीच में हम्पी में शासन किया था। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के राज्य आते थे। कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद इस विशाल साम्राज्य को बीदर, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बरार की मुस्लिम सेनाओं ने 1565 में क्रूरतम हमला करके नष्ट कर दिया। भयंकर लूटपाट और कत्लेआम हुआ और संपूर्ण शहर को खंडहर और लाशों के ढेर में बदल दिया गया। यह इतिहास का सबसे क्रूरतम हमला था। यही कारण है कि यहां के मंदिर अब खंडहर में बदल चुके हैं और कई सारी मंदिर में आप मूर्तियों को नहीं देख पाएंगे। कई मंदिर हैं जो अंदर से एकदम खाली हैं और आज भी अपनी न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। रुद्र महालय मंदिर पर आक्रमण का इतिहास। गुजरात के पाटन जिले के सिद्धपुर में रुद्र महालय मंदिर स्थित है। सरस्वती नदी के तट पर बसा सिद्धपुर एक प्राचीन नगर है। इस मंदिर को 943 ईस्वी में मूलाराज सोलंकी ने बनवाना प्रारंभ किया था और 1140 ईस्वी में सिद्धराज जयसिंह के काल में निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। 1410 से 1444 के दौरान अलाउद्दीन खिलजी ने इसका कई बार विध्वंस करवाया और उसके बाद अहमद शाह ने इसे तोड़वाया था। विभिन्न आक्रमणकारी लुटेरे बादशाहों ने 3 बार इसे तोड़ा और लूटा और इसके बाद एक भाग में मस्जिद बना दी ताकि फिर कोई हिंदू वहां मंदिर नहीं बना सके। इसके एक भाग को आदिलगंज बाजार का रूप दिया गया। इस बारे में वहां फारसी और देवनागरी में शिलालेख है। वर्तमान में रुद्र महल के पूर्व भाग के तोरण द्वार, 4 शिव मंदिर और ध्वस्त सूर्यकुंड है। ये पुरातत्व विभाग के अधीन है और आज भी ये मंदिर अपने पूर्ण न्याय की प्रतीक्षा कर रहा है। हर हर महादेव।